वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आर्टिहम। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने एक बॉटल है कांच की, उसको डेकोरेट करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट का ग्लास बॉटल है, तो सबसे पहले इसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद फिर उसमें एक फ्लैश टिंट, जो एक्रेलिक कलर होता है, एक स्किन कलर बोलते हैं जिसको, बोल सकते हैं पिंकिश, वो कलर मैं इसमें करूँगी। तो ये देखिए, ये है फ्लैश टिंट कलर है, तो वो कलर करूँगी इसमें। तो एक कोट करेंगे पहले, एक कोट करके फिर सुखा देंगे, सूखने को रख देंगे, सूख जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा कोट करेंगे। तो दूसरा कोट करने से ये देखिए, एक में क्या है, थोड़ा थोड़ा नीचे से ग्लास दिख रहा है और कुछ ब्रशेस दिख रहे हैं ब्रश के, तो जो स्पंज से किया है मैंने, तो उसमें है ना, दूसरा कोट करने से बिल्कुल नीट और सफाई आती है, अच्छा देखने लगता है, इसलिए एक सेकेंड कोट कर लेना चाहिए। तो ये सेकेंड कोट करेंगे तो उससे बहुत अच्छा फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए आना शुरू हुई इस तरह से, बहुत अच्छा दिखेगा। और इसको फिर दूसरा कोट करने के बाद भी ये देखिए पूरा, उसके बाद इसको पूरे में करने के बाद फिर उसको सूखने को रखेंगे। जब सूखने को रख देंगे, सूखने के बाद फिर इसमें आगे का इसका काम शुरू करूँगी। ये देखिए पूरा हो गया है, इसको सूख गया, ये देखिए सूख के तैयार हो गया है। अब ये नेट जो है, ये फ्रूट्स वगैरह आते हैं रखे हुए कई इस चीज़ में, कोई भी कभी कभी दवाई की कोई बॉटल भी रहती है, तो ये फ्रूट्स में आया था तो मैं लगा रही हूँ। बहुत बारीक है, पता नहीं कितना क्या दिखेगा, देखिए। और उसके बाद उसको टाइट करने के लिए मैंने ये ऊपर से सुतली है, इसको जूट ट्वाइन भी बोलते हैं, वो मैंने नीचे यहाँ लगा दी है। और देखिए अब कहाँ से पकड़ना है इसको, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर भी लगा देंगे, जिससे ये देखिए, जिससे ये जूट फिक्स हो जाएगा। और कुछ कलर भी, ये देखिए अब ब्लैक स्प्रे पेंट की, सॉरी ब्राउन है, ब्राउन स्प्रे पेंट है, ब्लैक नहीं है, ब्राउन स्प्रे पेंट है, वो किया है मैंने। अब करने के बाद ये हटा दिया है, तो इसमें ये कलर रह गया, और ये जूट पूरा हटा दूंगी मैं। हटाने के बाद ये देखिए, और अब मैं इसको नेट को भी हटाऊंगी, हट गया है। अब हटने के बाद इसको तो मैंने इसको स्प्रे करने के बाद सूखने रखा, सूखने के बाद ये सब हटाया है। हटाने के बाद देखिए, इसमें पिंक कलर है और एक ग्रीन कलर, दो कलर लूँगी मैं, और दो कलर लेके इसमें ये देखिए साइड में, देखिए स्टेंसिल से ये फ्लावर लीव्स वगैरह बनाऊँगी, जो खूब आसानी से जल्दी से बहुत जल्दी बन जाती हैं, एकदम जल्दी बन के तैयार होता है। तो ये देखिए पिंक के ऊपर फ्लावर है, जिसमें पिंक लगाएंगे, और ये स्टेंसिल की स्पेशल ब्रशेस रहती हैं, उससे करो तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी बनती है, फिनिशिंग आती है और कलर भी रहते हैं। तो ये देखिए ये कर दी, और इस तरह से चारों डायरेक्शंस में, ये दो में तो पूरा फूल पत्ती से नज़र बनाएंगे, और बीच में एक तरफ उसमें फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा बन के तैयार हो गया है, चारों तरफ बना दिया है। अभी ब्रश भी क्लीन करनी है मुझे, मेरी आदत है थोड़ा, तो उसको देखिए जगह जगह बिंदी लगाई मैंने, सब जगह शेड दे दी, एकदम ब्राउन अलग नहीं, कुछ एक मैच सा करके उसको जगह जगह जहाँ जहाँ पिंक मैंने और ग्रीन से, देखिए ये कॉर्नर से इनको पूरा ग्रीन ग्रीन कर दिया है मैंने, इस पर हाईलाइट कर दी है ये जो लाइन है इसकी ग्रीन से, और पिंक, ये बहुत, ये देखिए ये बहुत बहुत सुंदर और बहुत जल्दी बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। ये जो 1886 लिखा हुआ था, इसको मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से पहले, और उसके बाद इसके बीच बीच मैंने पिंक कलर दे दिया है। तो ये देखिए इसी तरह से ऊपर भी बांध कर दिया है, ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स मेरा यदि वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।